अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुश आमदीद HTML के इस कोर्स में जो हमने प्रीवियसली शुरू कर रखा है। और आज हम जानेंगे टेबल के बारे में, टेबल HTML के अंदर टेबल को किस तरीके से ऐड किया जाता है। ठीक है, टेबल क्या होता है? टेबल आप लोगों को पता होगा कि टेबल ये वो कुर्सी चेयर वाला टेबल नहीं, ठीक है, जो डेटाबेस के अंदर आपने क्रिएट किए होंगे या जानते होंगे। ठीक है, टेबल्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, रोज एंड कॉलम। ठीक है, टेबल के लिए भी सिंपल सा टेबल का एक टैग होता है। ठीक है, आप लिखेंगे टेबल, लिखेंगे जैसा कि टेबल को क्लोज करेंगे। टेबल के भी कुछ एट्रीब्यूट हैं, ठीक है, अलाइन, वेट, बॉर्डर। फिलहाल मैं सिर्फ बॉर्डर का यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को शो हो जाए कि यहाँ पर कोई टेबल है। टू दे देता हूँ इसका बॉर्डर। अब टेबल, टेबल किन चीज़ों से बनता है? रोज एंड कॉलम से। ठीक है, तो आप लोगों को फर्स्ट सबसे पहले चूज़ करनी होगी टेबल रो। ठीक है, टेबल हेडिंग भी होती हैं। फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ मैंने लिखा TR को मैंने किया क्लोज, ये मेरी एक टेबल रो हो गई है। अब टेबल रो, टेबल रो के अंदर कुछ डेटा लिखा जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर मैं टैग लगाऊंगा TD का, और TD के टैग को करूंगा क्लोज। अब मैंने टेबल डेटा, पहले मैंने टेबल डेटा, डेटा की जगह पहले छोड़े, हम पहले ना हेडिंग्स दे देते हैं ऊपर। ठीक है, TH आप कीजिएगा देरी के लिए। हाँ, टेबल हेडिंग, पहले मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर पहले उससे पूछा जाएगा नेम। ठीक है, फिर एक और हेडिंग बना देते हैं, नेम के बाद हम उसे पूछ लेते हैं क्लास। ठीक है, इसको आप अगर थोड़ा सा अच्छा दिखाना चाहते हैं तो यूं करके लिखें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। ठीक है, इस तरीके से एक रो वाइज शो हो रहा होगा। अब ठीक है, नेक्स्ट ये पहली रो होगी, हमने फिर दोबारा से रो स्टार्ट करते हैं। TR लिखा, TR को क्लोज किया। ठीक है, और अब हम यहाँ लिखेंगे टेबल डेटा TD। अब मैं थोड़ा सा आपको पहले एक मिनट पहले बता कर ही देता हूँ। TD टेबल डेटा देंगे, नेम, नेम देते हैं जी हम अरसलान। और अब हम यहाँ इसकी क्लास बताएंगे, क्लास बता दीजिए MIT। सेव किया, और अब हमने पेज को जाके रिफ्रेश कर, ये देखिए ये टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, ये जो वाजा करके लिखे हुए हैं ये इसकी, ठीक है, हेडिंग्स हैं, जो नीचे दिया हुआ है वो इसका डेटा है। हम थोड़ा सा चलें यहाँ एक हेडिंग और ऐड करते हैं, TH। अब इनकी भी अंदर बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं आप, इसकी भी फर्दर रोल टाइप्स हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी, इन विच यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी फिर आपको बताना होगा BA एंड DE। स्पेशल सैम्पल आप नहीं यूज़ कर सकते डायरेक्टली, वो भी उसके लिए आपको स्पेशल कोटेशंस ऐड करनी होती हैं। ठीक है, इसको सेव करें, और अब देखते हैं, ये देखें एक और ऐड हो गया। अब हम इसके कुछ एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं कि हम इसके अंदर और क्या क्या एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। हम इसकी कॉल स्पेन और सेल स्पेन को भी बढ़ा सकते हैं। कॉल स्पेन मतलब सेल पैडिंग हो गया, सेल स्पेसिंग हो गया। ठीक है, फिलहाल मैं सॉरी कॉल स्पेन के बारे में बात कर रहा था, पहले हम सेल पैडिंग और सब इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए अभी इसकी सेल की पैडिंग कुछ अच्छी नहीं लग रही, मतलब कुछ कम कम सी है। ठीक है, हम इधर यूज़ करके देखते हैं। इसकी हाइट वेट के भी लिख सकते हैं आप, लिखें सेल पैडिंग, सेल पैडिंग जितनी आप देना चाहें, फिलहाल 5 दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप सेल स्पेसिंग भी दे सकते हैं, सेल स्पेसिंग। ये इस नोटपैड प्लस प्लस की अच्छी बात है कि ये आप लोगों को साथ के साथ टैग के बारे में बता देता है कि जो आप टाइप करें ताकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। देखिए अब इसकी सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग बढ़ गई है, और सेल स्पेसिंग के, सेल पैडिंग के भी टैग हैं। ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके कलर को भी इसमें आपने पेज के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। चलें एक रो और ऐड कर देता हूँ।
मैंने कुछ और एंट्री एक एंट्री और ऐड कर दी है, ठीक है। और चलिए अब हम देखते हैं इसके इफेक्ट को, ये इस तरीके से कुछ शो होने लग गया। आप और भी जितना कुछ ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप किस तरीके से इन्हें भी चेंज कर सकते हैं। आप लोग इसकी रो स्पेन भी कर सकते हैं, कॉल स्पेन भी कर सकते हैं। चले हम फर्स्ट वाले की ना इसकी रो स्पेन कर, अगर आपको रो स्पेन करेंगे तो नीचे आपको डेटा भी उसका रेज करना होगा नीचे वाले कॉन्टैक्ट का, ठीक है। फिलहाल इधर कोई इस तरह क्वेश्चन लिखते हैं कुछ और, मैं इसको एडिट करता हूँ फिर से आपको बताता हूँ। बिल्कुल एडिट करते हैं सेल रोज पे और कॉल्स पे के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगा। चलें इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को ना एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको कलर किस तरीके से चेंज करना है, अगर आप किस चीज़ किसी रो का कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो चले मैं आपको बताता हूँ, आपको लिखना है बी जी कलर रेड, सेव करें। देखिए ऊपर वाली जो हमारी हेडिंग, हमने हेडिंग का टैग यूज़ किया हुआ था जो, ठीक है, हेडिंग की रो जो थी उसका कलर रेड हो गया है। इसी तरह आप औरों का भी कलर चेंज कर सकते हैं। आप लिखें सॉरी बी जी कलर पिंक, ये देखिए इस वाले का टेबल डेटे का हो गया क्योंकि मैंने सिर्फ टी डी के अंदर ऐड किया। अगर मैं इसी को ऐड करता हूँ इस लास्ट वाली रो के अंदर, सेव करता हूँ, तो देखें लास्ट वाली जो मुस्फिरा एम सी एस लिखा हुआ है इसकी पूरे कलर चेंज हो गए, ठीक है। इस तरह जिसके से आप इनके, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। इमेजेस का आपको बैकग्राउंड लिखना होगा, ठीक है, और उस इमेज का पाथ देना होगा जहाँ भी वो आपने रखी होगी, उसकी प्रॉपर्टी बतानी होगी। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम इसको थोड़ा सा और इसके एट्रीब्यूट देखेंगे और समझेंगे टेबल को अच्छी तरीके से। अल्लाह हाफिज़।